अगर आपके घर पे चाइना म्यूजिक लगी हुई है या अगर आप चाइना म्यूजिक का काम करवाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापत और आप देख रहे हैं यूट्यूब का सबसे भरोसेमंद चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि चाइना म्यूजिक में क्रैक्स क्यों पड़ती है और उनका इलाज क्या है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जहां पर चाइना म्यूजिक किया हुआ होता है वहां पर माइनर हेयर क्रैक पड़ जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना म्यूजिक में क्रैक क्यों पड़ती है और इसका इलाज क्या है। दोस्तों, चाइना म्यूजिक एक तरह का वाटरप्रूफ होता है जो मकान की छत पर, बालकनियों, छज्जों और स्विमिंग पूल में करवाया जाता है। लेकिन चाइना म्यूजिक का काम करते समय इसमें ज़रूरी स्टेप्स फॉलो नहीं करने के कारण इसमें क्रैक्स या दरारें पड़ना शुरू हो जाती है। छत में बैठाई गई चाइना म्यूजिक में क्रैक पड़ने के मुख्य ये 10 कारण हो सकते हैं, यानी इन 10 गलतियों के कारण से ही चाइना म्यूजिक में क्रैक्स या दरारें पड़ती हैं। आप इन 10 गलतियों को ध्यान से सुने और जब आप चाइना म्यूजिक करवाएं तो ये 10 गलतियां ना होने दें कि भविष्य में आपके छत पर कभी भी क्रैक ना पड़े। क्रैक पड़ने का पहला कारण है चाइना म्यूजिक करने से पहले स्लेब की सफाई ठीक से न होना। दूसरा कारण है सीमेंट और सैंड का रेशियो कम या ज़्यादा हो जाना। तीसरा कारण है सीमेंट, सैंड, पानी और केमिकल का मिश्रण ठीक से नहीं होना। क्रैक पड़ने का चौथा कारण है चाइना म्यूजिक का बेज बनाते समय मोटर में पानी का कम होना। पांचवा कारण ये भी हो सकता है कि सैंड सीमेंट का बेज यानी जो मोटर बनाते हैं उसका थिकनेस 2 इंच से ज़्यादा होना। छठवां कारण है बेज बनाने के बाद टाइल्स के टुकड़े को इंस्टॉल करने में देरी कर देना। सातवां कारण है वाइट सीमेंट भरते समय भी देरी करना या 2-3 दिन बाद में वाइट सीमेंट भरना। ये भी एक क्रैक पड़ने का मुख्य कारण होता है। आठवां कारण है वाटा बनाने से पहले दीवारों का प्लास्टर ना निकालना। नौवां कारण है सूखे माचन पर सूखी सीमेंट का इस्तेमाल करना। दसवां कारण है मकान का कमज़ोर स्ट्रक्चर भी चाइना म्यूजिक में दरारों के लिए जिम्मेदार है, यानी अगर आपका मकान का स्ट्रक्चर कमज़ोर है तो भी चाइना म्यूजिक में ऊपर दरारें पड़ सकती है। ये कुछ 10 कारण थे जो मैंने बताए। चाइना म्यूजिक वाटरप्रूफिंग करने के लिए ज़रूरी स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्टेप्स फॉलो नहीं किए जाते हैं तो चाइना म्यूजिक के काम में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। जहां पर टाइल्स के टुकड़ों को किसी प्रकार का दीवार या वाटे का सपोर्ट नहीं मिलता हो, ऐसी जगह चाइना म्यूजिक नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस चार दीवारी पर से छोटे छोटे टाइल्स के टुकड़े कैसे आसानी से निकल रहे हैं, क्योंकि इनको किसी प्रकार का या दीवार का या वाटे का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये टुकड़े बड़ी आसानी से निकल रहे हैं। अगर आपके छत पर भी इस तरह के क्रैक पड़ गए हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आसानी से भर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इसका इलाज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में और बहुत कम कीमत में। अगर चाइना म्यूजिक के सभी टुकड़ियों के जॉइंट खुल गए हैं तो एक बार पानी में थोड़ा सा एसिड डालकर उस टुकड़ियों को धो लें। थोड़ा सा एसिड मीन्स 90% पानी और 10% एसिड मिक्स करके टाइल्स के टुकड़ों को अच्छी तरीके से साफ कर लें और उसके बाद उसको शुद्ध पानी से धो दें। धोने के बाद इन टाइल्स के टुकड़ों को कम से कम 2 घंटों के लिए सूखने दें और जहाँ जहाँ पर क्रैक्स पड़ी हैं वहाँ पर मार्क कर लें। धोने के बाद और उसके सूख जाने के बाद आप भी इस तरह का घोल बना लें। किसी भी ब्रांडेड कंपनी की वाइट सीमेंट और डॉक्टर फिक्सिड का SBR को मिक्स कर लें और जहाँ पर भी क्रैक पड़ी है आप उसमें इस तरीके से भर दें। अगर दरार बहुत पतली है तो सीमेंट का घोल भी पतला ही रखें और दरार अगर बड़ी या चौड़ी है तो आप वाइट सीमेंट का पेस्ट बनाकर भी दरारों में भर सकते हैं।
जहाँ पर आपने जॉइंट या क्रैक भरे हैं उस स्थान को कम से कम 10 से 15 मिनट तक सूखने दें। उसके बाद आप हल्के हाथ से कपड़ा लेकर टाइल्स की टुकड़ियों को वापस साफ कर दें। साफ करते समय ये ध्यान रखें कि क्रैक या जॉइंट में से सीमेंट नहीं निकलनी चाहिए। ये काम कंप्लीट होने के बाद इसको कम से कम 8 घंटों के लिए सूखने दें। उसके बाद डॉक्टर फिक्सिट का वाइट SBR लेकर एक बार किसी ब्रश से पूरी छत पर लगा दें, या फिर आप टेरासील का भी एक कोट मार सकते हैं। आप चाहें SBR लगाओ या टेरासील, इसमें आपको कुछ मिक्स नहीं करना है। डायरेक्ट ब्रश से छत पर टुकड़ियों पर लगा देना है। दोस्तों, एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी छत पर या चाइना मोजिक में या किसी और वाटरप्रूफ में, स्लेब में, दीवारों में क्रेक ना पड़े, तो किसी अच्छी एजेंसी से ही काम करवाएं, ताकि ऐसी क्रेक फिलिंग की नौबत ही ना आए। अगर आप चाइना मोजिक या वाटरप्रूफ के लिए अच्छे ठेकेदारों को तलाश रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.contractorg.com पर आसानी से सर्च कर सकते हैं, या फिर आप कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके ठेकेदारों के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।